उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है, जिसके साथ प्रदेश के ज्यादा हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस भरी चिपचिपी गर्मी से राहत मिलेगी। यूपी में सोमवार सुबह से ही कई जगह पर बूंदाबांदी और बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार में भी कई जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, तो वहीं 11 से 14 सितंबर तक लगातार जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। अगले 3 दिन कई जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, गोंडा, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर समेत आसपास इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश की वजह से आने वाले दिन यूपी वालों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए अलर्ट किया है। जरूरत हो तो ही बाहर निकलें। वहीं बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे ट्रैफिक की समस्या भी हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।